हमारा बाल पांच मेन तत्वों से मिलकर बना है, राइट। कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ये पांच कंपोजिश तत्व हैं जिससे मिलकर हमारा बाल बना है। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ हेयर। ये क्या रोल निभाता है या ये इसकी आपको जरूरत कब पड़ेगी? ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको मेनली जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं। क्या? जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो ये इसका डीप नॉलेज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटनिंग की क्लास में। बट अभी आप ये जान लीजिए कि अगर इन केस कोई क्वेश्चन आता है या आपसे कोई इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है कि हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन आवर हेयर या कंपोजिशन कितने होते हैं हमारे बालों के, कितने होते हैं? पांच होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड कार्बन। ये पांच तत्वों से मिलके हमारा बाल बना। तो ये तो हुआ व्हाट इज हेयर, ये आपने समझ लिया बालों में क्या 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 है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें भी समझाना चाहता हूं कि अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शुरुआत से ही ये समझना पड़ेगा कंसल्टेशन का इम्पोर्टेंस। कंसल्टेशन क्या है? कंसल्टेशन एक बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं है, कंसल्टेशन का मतलब है एक ऑब्जर्वेशन कि आपके क्लाइंट आए हैं या कोई आपसे सजेशन मांग रहा है तो आपको ऑब्जर्व करना है कि उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, राइट, या वो क्या चाह क्या रहे हैं। क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझ पाएंगे तो क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। तो कंसल्टेशन आप हर बार मेरे इन फ्यूचर जितने भी क्लासेस आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या चीज सीखेंगे? कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन को हम लोग शुरुआत से ही बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, कंसल्टेशन का वैल्यू समझाते हैं, राइट। तो कंसल्टेशन करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई कलर कर रहे हैं तो कलर वर्क करते वक्त अगर कोई टेक्निकल चीज है तो उसको एक्सप्लेन करना कंसल्टेशन का पार्ट है ना। कलर करते वक्त स्किन टेस्ट के आपकी स्किन एलर्जिक तो नहीं है या बाल उस कलर के लायक है, ड्राई या डैमेज तो नहीं हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट, राइट। ये भी एक कंसल्टेशन का पार्ट है। इसके अलावा प्राइस एंड टाइम एंड उसका ड्यूरेशन समझाना भी कंसल्टेशन का पार्ट है। इसके अलावा क्लाइंट की इच्छा के वो क्या करना चाह रहे हैं, वो किस प्रोसेस से होगा और उसके बाद उसको कैसे मेंटेन करना है या होम केयर चीजें हैं, ये सारी चीजें समझना कंसल्टेशन का पार्ट है। क्या आपको क्या करना चाहिए? आपको स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहिए एवरी सर्विस से पहले। आपको उनकी स्किन का ध्यान रखना चाहिए कि एलर्जिक तो नहीं है। कोई भी काम करने से पहले आपको एनालाइज करना जरूरी है, चाहे आप हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या आप एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं या आप हेयर कट कर रहे हैं। क्लाइंट को सुनना पहले बहुत जरूरी है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है या वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन कितना रिलायबल है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है या नहीं हो सकता है तो उसको किस तरीके से आप अचीव करेंगे, ये एक्सप्लेन करना ही एक कंसल्टेशन का पार्ट है। तो राइट, तो ये सारी चीजें आज आप समझेंगे। नेक्स्ट जब भी आप काम करते हैं इन बातों का ध्यान रखिए, इन बातों को यूज कीजिए, राइट। फ्यूचर में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल। तो स्टार्टिंग में जब आप काम सीख रहे हैं या बिगिनर्स हैं या ऑलरेडी जो कर रहे हैं, इन थ्योरीज को जानना समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीजें पता नहीं होंगी तो हम अपने काम को बेहतर कैसे कर पाएंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत जल्दी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आ रहे हैं। टेक केयर, बाय।